पप्पू को ईडी से बचाने के लिए इकट्ठे हुए सारे कांग्रेसी, पर पप्पू को चुभ गई सुरजेवाला की बात। देखिए भैया सुरजेवाला, तुमको क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो। हाँ राहुल जी, उदास तो मैं हूँ। देखो बात ऐसी है सुरजेवाला, अगर तुमको प्रदर्शन में नहीं चलना तो मत चलो, मना कर दो। मेरे साथ सैकड़ों कांग्रेसी हैं जो मुझे ईडी से बचाने के लिए किसी हद तक भी गुजर सकते हैं और किसी हद तक भी गुजरने को तैयार हैं। राहुल जी, मैं प्रदर्शन में तो चल ही रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मेरा दुख कुछ और है। और कौन सा दुख है भैया सुरजेवाला तुमको? राहुल जी, आप सुन नहीं पाएंगे। देखिए भैया सुरजेवाला, मोदी जी के आने के बाद मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ, और अब तो आदत हो गई है सुनने की, तो तुम भी सुना लो, बताओ क्या बात है। राहुल जी, हम सभी ने कितने सपने देखे थे कि हम सभी कांग्रेसी इकट्ठे होकर आपकी बारात में जाएंगे, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर है। अब हम सारे कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं आपको जेल जाने से बचाने के लिए। सुरजेवाला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे हमदर्दी कर रहे हो, हमदर्दी दिखा रहे हो, या मेरे ऊपर नमक छिड़क रहे हो, मेरे जले पे मुझे जलील कर रहे हो।